हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मम्मास किचन। आज हम बनाएंगे मूंग के अप्पे और मूंग का डोसा। और टू मेक इट मोर हेल्दियर हम इसमें डालेंगे ओट्स। जैसे कि आप जानते हो, मूंग में प्रोटीन रहता है और ओट्स में फाइबर रहता है। सो दिस इज़ अ वेट लॉस रेसिपी, आप इसे ज़रूर बनाइए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बेल को दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आए। So now let's quickly look at the recipe. तो सबसे पहले हम एक मिक्सर जार लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 कप ऑफ स्प्राउटेड मूंग। हमारा 1 कप इज इक्विवेलेंट टू 250 ml। ये जो मूंग है ना, उसे हमने 5 to 6 hours वाटर में सोक किया और उसके बाद ओवरनाइट कपड़े में बांध के रखा। अब हम डालेंगे 1/3 कप ऑफ ओट्स, 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स, 1 इंच जिंजर, 4 ग्रीन चिलीज। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, ग्राइंड करने के बाद तो हमने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था फर्स्ट टाइम ग्राइंड करने के लिए। अब हम इसमें 2 tablespoons ऑफ वाटर डालेंगे, नॉर्मल वाटर, और थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे एंड इसे फिर से ग्राइंड करेंगे। तो अभी हमने इसे ग्राइंड कर लिया। ये देखिए, हमें कुछ ऐसा पेस्ट चाहिए इस तरह से। अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें हमारा ये मिक्सचर ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये मिक्सचर हमने बाउल में निकाल दिया और अब हम इसे 2 parts में डिवाइड कर देते हैं। तो अभी हमने मिक्सचर को 2 parts में डिवाइड कर लिया है। एक से हम बनाएंगे अप्पे और दूसरे से हम बनाएंगे डोसा। अगर आपको अप्पे की जगह भजे बनाने हैं तो आप अप्पे के मिक्सचर से भजे भी बना सकते हैं, पर हम डाइट रेसिपी बना रहे हैं इसलिए हम अप्पे बना रहे हैं, बिकॉज अप्पे में कम ऑयल लगता है। तो सबसे पहले हम अप्पे बनाएंगे। अप्पे के लिए हमने फर्स्ट एक मिक्सर ले लिया, उसमें हम डालेंगे वाटर। आपको टोटल 5 teaspoons ऑफ वाटर डालना है, पर थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते करते डालिए, सो दैट आपको उसकी कंसिस्टेंसी समझ में आए। सो आफ्टर एडिंग 5 teaspoons ऑफ वाटर, हमें मिक्सर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह चाहिए, क्योंकि हम अप्पे बना रहे हैं। अभी हम डालेंगे सॉल्ट एज पर टेस्ट। अभी हमारे बैटर में इनो डालना बाकी है, पर उसके पहले हम ये अप्पे के पैन को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। अभी हमारे मिक्सर में डालते हैं 1/2 teaspoon इनो और उसमें डालते हैं 1 teaspoon ऑफ वाटर। अभी हम इसे फटाफट मिक्स कर देते हैं और ये प्रोसेस फटाफट करनी है, नहीं तो जो इनो का असर है वो कम हो जाएगा और आपके अप्पे फूलेंगे नहीं। अभी आप अप्पे के पैन को लो फ्लेम पे गैस पे रख देते हैं और इसमें 1 ड्रॉप ऑयल डालते हैं। अब ऑयल गर्म होने के बाद हम थोड़ी राई डाल देंगे। और अब थोड़ी सी तिल डाल देंगे और इसे तड़कने देंगे अच्छे से। अभी तड़कने के बाद हम डालेंगे इसमें हमारा बैटर थोड़ा थोड़ा करके। अभी इसे 2 minutes के लिए लो फ्लेम पे होने देते हैं। सो आफ्टर 2 minutes हम एक फोक की मदद से इसको पलट लेते हैं इस तरह से। अभी सब पलटने के बाद थोड़ा सा 1 ड्रॉप ऑयल डालते हैं सब पे और फिर से इसे लो गैस पे 2 मिनट के लिए होने देते हैं। सो नाउ आफ्टर 2 मिनट्स हमारे अप्पे रेडी हो गए। ये देखिए,
नीचे से भी अच्छे से पक चुके हैं। अभी दूसरा आधा बैटर लेते हैं और इसमें हम डालेंगे टोटल 3 टेबलस्पून ऑफ वाटर, पर धीरे धीरे करके डालिए और मिक्स करते जाइए। इससे हम बना रहे हैं डोसा। सो नाउ आफ्टर एडिंग वाटर हमें हमारी बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह चाहिए। अभी हम डालते हैं सॉल्ट एज पर टेस्ट और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सो नाउ आवर बैटर इज रेडी। अभी हमने एक पैन रख दिया है गैस पे ऑन मीडियम फ्लेम और इसे गर्म होने देते हैं। अभी हमारा पैन अच्छे से गर्म हो चुका है। हम एक ऑनियन की मदद से ऑयल लगाएंगे पूरे तवे पे। आप अगर ऐसे ऑयल लगाओगे तो आपके इस जो डोसा है उसमें एक ऑनियन का फ्लेवर भी आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। अभी ये ऑयल गर्म हो चुका है, हम इसमें हमारा जो डोसे का बैटर है उसे अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं इस तरह से। इसे हम मीडियम फ्लेम पे होने देते हैं 2 मिनट्स। सो नाउ आफ्टर 2 मिनट्स इसे परत लेते हैं और इसे फिर से मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट्स के लिए होने देते हैं। सो नाउ आफ्टर 2 मिनट्स ये देखिए दूसरे बाजू से भी हो गया है। अब हम इसे सर्व कर देते हैं। मूंग के अप्पे और मूंग का डोसा रेडी है। अगर आपको हमारी डिश अच्छी लगी रहेगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।